चलो ऊपर चढ़ रहे क्रेन से, क्रेन से ऊपर चढ़ा जा रहा है। ओहो सुपरमैन भैया ऊपर चढ़ा रहे हैं। इसमें जो पानी देख सकते हो ये एकदम नीला पानी, एकदम क्लियर वाटर, मतलब बहुत ही ज्यादा क्लियर पानी है पूरा। आप ग्रीन पता नहीं कैमरे में देख सकते हो बट एकदम प्योर ग्रीन है ऐसा पानी। वेलकम बैक टू द चैनल, मैं हूँ आप सबका यार भाई दोस्त हो जो कहना आप कह सकते हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे पहाड़ है, सुनसान रास्ते हैं और ये नज़ारा कहीं और का नहीं, ये नज़ारा तो सिर्फ अपने मारो देश मतलब राजस्थान का ही हो सकता है। और आज होगा थोड़ा सा अलग क्योंकि आज हम जाने वाले हैं ग्रीन मार्बल के खदानों में। हाँ आपने सही सुना, ग्रीन मार्बल के खदानों में। और आज हमारे साथ देंगे हेमंजन के साथ। किनके साथ? आपको प्यार से क्या बोलते लोग? चिंटू। चिंटू भैया के साथ। तो चिंटू भैया ने जस्ट फ़ोन कर दिए थे, मैसेज कर दिए थे भाई तू आ रहा है, तो चलो चलते हैं ग्रीन मार्बल के खदानों में। एंड ये डिस्ट्रीब्यूटर है ग्रीन मार्बल के, सही कहा मैंने? बिल्कुल सही है। तो अब चले चले, तो बस बाइक से चालू करेंगे हम हमारा सफ़र। और यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से कम 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है हम। अच्छा, और हमारी माइन सुबह चले जाए। और ये माइन कहाँ पर स्थित है, मतलब लोकेशन अगर इनका रहा तो? केसरा जी से हम 4 से 5 किलोमीटर दूर पे ग्रीन मार्बल की खदाने चालू हो जाती है। अच्छा, तो जो केसरिया जी है वो उदयपुर से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड केसरिया जी से 3 से 4 किलोमीटर के आगे ये ग्रीन माइन की खदान। तो चलो शुरू करते हमारा सफ़र और देखते क्या होगा। कुछ नया मेरे लिए तो नया है, आप जैसे को बहुत सारे को पता होगा बट मेरे लिए नया, तो चले बहुत सारा नया। चले चलो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सफ़र। मेरे पीछे देख सकते हो जमीन से बहुत नीचे जाया जा रहा है, बहुत नीचे जा रहे हैं। जो माइन है यहाँ की खास बात क्या है, मतलब माइन तो क्या है, एक धरती धन कह सकते हैं इसको अपन हमारी लेवल में। अच्छा, और ये वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट है, ग्रीन मार्बल मेनली निकलता ही यहीं। तो अच्छा, तो जो ग्रीन मार्बल है वो इसी जगह पे यहीं निकलता है? अच्छा, तो यहाँ की जो ग्रीन मार्बल की खास बात ये है, जो ग्रीन मार्बल है ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ इसी जगह से निकलता है, इसी जगह से। तो ये तो कुछ चमत्कार से कम नहीं है। ये ग्रैन है, एक बार मतलब बहुत ऐसे एकदम विशाल जगह, बहुत ही ऊपर है ये सब। चलो बढ़ते हैं आगे। नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुमेर। इंजीनियर है यार। अच्छा, यहाँ क्या करते हो? मैं मैकेनिकल थर्मोस्टेट देखता हूँ। तो कितना मज़ा आता है ये काम करना? बहुत मज़ा आता है, मतलब ये पहाड़ों के ऊंचाइयों पे चढ़ना काफ़ी टाइम लगता है, जैसे यहाँ जाएंगे सीढ़ी चढ़ेंगे फिर यहाँ से जाना पड़ता है, तो वो उधर ऊपर जाना पड़ेगा। तो देख ही सकते वीडियो में, एकदम ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से कितनी ऊंचाई पर अभी ये कटिंग चल रही है, कितना फीट ऊपर है? 4-5 फुट। मतलब बहुत बड़ी बात है, मतलब अभी हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से और हमारी दूरी 400 फीट की दूरी है। और नीचे कितना है वो तो आगे चलेंगे, जैसे जैसे धीरे धीरे चलेंगे वैसे वैसे पता। शुरू करें सफ़र। चलो तो अब चालू करते हैं हमारा असली सफ़र। अभी हम कहाँ जा रहे हैं?
सबसे पहले हम ब्लॉक के पास, ब्लॉक किसे कटता है, ब्लॉक किसे बनता है। अच्छा, तो ब्लॉक मतलब जो पहाड़ी कैसी कटती है, पहाड़ी कैसी, ये एक तरह से पहाड़ी कटता हुआ चल ही रहा। तो लास्ट में जैसा कि आप देख पा रहे हो, अभी हम सबसे पहली प्रोसेस ये रहेंगी कि पहाड़ को कैसे काटते। सही कहा, चलो पर कटिंग जल्दी जल्दी चलते हैं, उतरते हैं नीचे, देखते हैं पहाड़ों की कटिंग कैसे होती है। चलो, लेके आया हो ये मार्बल को शेप देने का काम करते हो। शेप किस टाइप का देते हैं, स्क्वायर 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 शेप में अब इसकी कटिंग होगी। तो देखते हैं अब कटिंग किस तरह से होती है, क्या होती है। चलो, क्या नाम आपका? मैनेजर सर, बहुत बिजी है, मैनेजर है तो बिजी तो रहेंगे, इसलिए फोन आ रहे हैं इनको यार। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम शिव सिंह, शिव सिंह नाम है, शिव सिंह नाम है इनका, और ये इस माइन के मैनेजर है। तो सर कैसा लग रहा है काम करके? काम करके तो अच्छा लग रहा है। कितने सालों से आप काम कर रहे हो? 25 साल। 25 साल से इसी माइन में? तो आप कुछ बता सकते हो इस माइन की स्पेशलिटी, स्पेशल चीज? बाटा निकलता है और क्या स्पेशल, ये और ये फिर कहाँ कहाँ पर जाता है? ये तो लोकल भी जाता है, फिर ऋषभदेव जाता है, उदयपुर जाता है, चित्तौड़ जाता है, किशनगढ़ जाता है, और पूरा एक्सपोर्ट भी होता है। अच्छा, चाइना वगैरह भी। अच्छा, तो ये सिर्फ वर्ल्ड वाइड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन शिप है, ऑल ओवर वर्ल्ड, यही इसी जगह से आगे प्रोसेस होता है एंड फिर बाद में शिपमेंट जो होती है ऑल ओवर वर्ल्ड होती है। तो चलो अब शुरू करते हैं हमारा सफ़र। होल किया हुआ है क्या? ये होल का क्या मतलब है? ये होल है, ये पत्थर को नीचे गिराने के लिए होल करते हैं। नहीं नहीं, ये होल मिलाने के लिए होल करते हैं। अच्छा, लेवल के लिए ये होल मिलाते हैं नीचे। ये जैसे कि एक ये मास्टर होल किया अपन ने, मास्टर होल से। अच्छा, ये जो है ये मास्टर होल है? हाँ, खड़ा होल है ये, मास्टर होल है। इसके नीचे ये शादी रहते जय गंबर से होल होते, एक होल ये किया, उधर एक होल मिलाते, उधर से भी ये वाला होल। अच्छा, ये नीचे 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 है, नीचे। हाँ हाँ, नीचे फिर उधर भी होल इस तरह का मिलाते, इधर साइड में ये एक होल इधर से और एक इधर से। अच्छा, तो ये काटने के लिए मतलब एक पहाड़ पूरा गिराने के लिए ऐसा। तो जो होल किया जाता है वो कितना गहरा है और एक प्रॉपर स्क्वायर शेप दिया जाता है इसको, ताकि काटने में आसानी हो। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हो ये होल से ही कटा हुआ है इतना। अभी क्या होएगा इसका? ये कटिंग चालू होगी। अच्छा, तो अब ये कट, अच्छा ऐसी कटिंग चालू हो रही है। तो ये जो है ये कटिंग चालू हो गई है। अच्छा, ये वायर से, वायर शो कटिंग कर रहा है। ये किस चीज़ का वायर है? ये माड़ा आती ना, माड़ा बेट आते, ऐसा मेटल आता है जो उससे कटिंग होती है। बस इस टाइप से हो रही है कटिंग, पानी जा रहा है और वो जो मेटल की तार है सिर्फ उसी से कटिंग होती है, उसी से कटिंग। तो काफ़ी एक नया सा एक्सपीरियंस है। और उसके बाद ये बन जाता है, कटने के बाद ये बन जाता है। तो कुछ इस तरीके से होती है कटिंग, और कटिंग होने के बाद इस शेप में आ जाता है, एक प्रॉपर फिनिशिंग टच मिल जाता है इस चीज़ को। तो जैसा कि दिखा पा रहा हो आपको, ये देखो ये एक टच मिल गया इसको। तो ये जो कटिंग हो रही है, ये कटिंग के बाद ये जो क्रेन है, क्रेन से इसे ऊपर लिफ्ट किया जाएगा, और फिर आप जैसे देख सकते हो इतने सारे जो पत्थर है सब नीचे कटिंग करने के बाद यहीं पर लाए जाते हैं और रखे जाते हैं। तो अब जब पत्थर की कटिंग हो गई, अब इसके आगे क्या होता है? पत्थर की कटिंग होने के बाद सेल होने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, चलो ऊपर चढ़ रहे हैं, क्रेन से ऊपर चढ़ा जा रहा है। ओहो, सुपरमैन भैया ऊपर चढ़ा रहे हैं। ओहो, यहाँ से पूरी माइन चढ़ाया जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो ग्राउंड लेवल से बहुत बहुत ही ऊपर, वो सब नीचे है। अलग सा मजा है। और उतरते हैं नीचे, तो बहुत मजा है इस सफर का। थैंक यू भैया, भैया ने आज आसमान की ऊंचाइयों को, ऊंचाइयों से मेरा रूबरू करवा दिया, क्यों है ना? सही है, चलो थैंक यू सो मच। बस आज के लिए था इतना ही। आज हमने देखे
ब्लॉक, पहाड़ों से ब्लॉक बनने का एक तरीका, ब्लॉक बनने का तरीका अब अगली वीडियो में देखेंगे, ब्लॉक से स्लैब बनने का तरीका, ब्लॉक से स्लैब, स्लैब मतलब फिनिशिंग, फिनिशिंग नहीं, पत्थर का जो आता है मार्केट में जो चीज़ बिकती है, अच्छा उसका ये बनाने के लिए क्या प्रोसेस है, अच्छा अच्छा, ये ब्लॉक कैसे कटता है, फैक्ट्री पर पहुँचता है। तो बस अब इस वीडियो में हमने यही देखा कि पहाड़ों से, पहाड़ों को पत्थर से कैसे काटा जाता है, और फिर अब देखेंगे कि पत्थरों को स्लैब एक स्लैब में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो बड़ा हसीन सा सफ़र था, धन्यवाद आपका। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में इन्हीं के साथ, हमारे प्यारे हेमंत चिंटू, चिंटू भैया। मतलब मेरे को जितना मज़ा नहीं आता बोलने में, उतना ज़्यादा मज़ा सुनने में चिंटू भैया के मुँह से आता, मतलब नाम में ही मज़ा, चिंटू भैया। चिंटू भैया का जो स्वभाव है ना, काफ़ी हसीन किस्म के है यार। अगली बार आप भी आइए, जब भी इधर आओगे तब बताइए, मैं आपसे चिंटू भैया से बात कराऊंगा। चिंटू भैया कभी भी रेडी है आपके लिए, क्यों? बिल्कुल भैया। तो चलो बस आज के लिए तो इतना ही, चलते हैं अब दूसरी जगह।